दोस्तों ये एक ओरिजिनल एसी का रिमोट है, इसमें क्या है थोड़ी सी डिस्प्ले भी ऐसी आती है थोड़ी कटी कटी सी, और थोड़े इसके जो पैड है बटन है वो भी कभी काम करते हैं कभी नहीं काम करते। तो चलो दोस्तों थोड़े पैड भी इसके की पैड जो थोड़े हार्ड हैं कभी काम करते कभी नहीं करते। दोस्तों चलो खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलो दोस्तों खोलते हैं, खोलने के लिए आप पहले सबसे पहले आप इसके सेल निकाल लें। सेल निकालने के बाद दोस्तों इसमें पहले पेच देखें, कोई पेच तो नहीं है, पेच नहीं है तो दोस्तों इस तरह का आप एक ब्लेड लें। ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे हैं इस किनारे से आप इसको खोलें। ये बैग हटाने के बाद दोस्तों फिर इसके बाद आपको चार पेज खोलने पड़ेंगे, एक दो तीन चार, चारों पेज खोलने दोस्तों। दोस्तों ये चारों पेज खोलने के बाद फिर आप पीसीबी बाहर निकाल लें। वैसे तो साफ़ है फिर भी हम साफ़ करेंगे इसको, एक बार इसकी सर्विस करनी है। और दोस्तों कोई भी लिक्विड हो आपके पास, आईपीओ थिनर हो पेट्रोल हो किसी से भी आप साफ़ कर सकते हैं। आप इस तरह कपड़े पे लें और इसको पूरा अच्छी तरह साफ़ करें। पूरा अच्छी तरह आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद दोस्तों अगर ज़्यादा काले हो रहे हो या गंदे हो रहे हो तो आप इसको ब्लेड से इस तरह ब्लेड से खुरच भी सकते हैं, साफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी पीसीबी है, ये जो काले काले बटन है, अगर ऐसी पीसीबी अगर आपने इसको ब्लेड से खुरच दिया तो दोस्तों ये खुरचने के बाद ये ख़राब हो जाएगी, फिर ये ठीक नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो पीतल जैसे हैं, गोल्डन जैसे हैं, गोल्डन वाले, इनको तो आप थोड़ा रगड़ के भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो कार्बन वाले उनको नहीं साफ़ कर सकते। तो दोस्तों अब इसकी हम पैड निकाल लेते हैं। पैड निकालने के बाद दोस्तों पैड की भी आप इसको इसके सारे बटन साफ़ करें इस तरह एक कपड़ा सा लेके, क्योंकि इस पर भी मॉइस्चर जम जाता है बटनों पे। आप फिर इधर से भी मट्टी वगैरह हो तो ये भी आप पूरे बटन साफ करें। अगर दोस्तों इसके अंदर भी मट्टी वगैरह है तो ये भी आप थोड़ा साफ कर लें कपड़े से, क्योंकि इसके अंदर के जो बटन की जो मट्टी है वो सारी साफ़ हो जाएगी। साफ़ होने के बाद ये जो बटन है थोड़ी रफली अच्छे चलेंगे दोस्तों। अब हम इसको एक बार पैड लगा लेते हैं। पैड लगाने के बाद दोस्तों इसकी जो पीसीबी है वो कस लेते हैं। तो दोस्तों ये चारों पेज हम कस लेंगे इसके, चारों के चारों। दोस्तों चारों पेज कसने के बाद अब हम इसको एक बार बंद करके चेक करते हैं कि ये जो हमने ठीक किया है हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके दोनों सेल लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों डिस्प्ले तो इसकी ओके आ चुकी है, डिस्प्ले पहले इसकी कटी कटी आ रही थी उस आ चुकी है। दोस्तों ये देखिए ये देखिए टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा ओरिजिनल कंपनी का एसी का रिमोट है तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग या कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दरअसल में दोस्तों ओरिजिनल कंपनी के कई सारे एसी के रिमोट हैं, ये भी है, लेकिन और भी कई सारे मॉडल आते हैं, आपका जो मॉडल है वो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं।